अबे बांडू ध्यान रखना कुछ छूट ना जाए। काई को टेंशन लेता, सब रेडी। आज की रात नए साल का बड़ी ग्रैंड तरीके से स्वागत करेंगे भाई। बिना दिए बात नहीं बनेगी क्या? डिसूजा को जो एक बार दी थी उसके बाद तो घिनसी आती है। मैं भाई चैनी खाऊंगा, स्वागत से मुंह जलता है मेरा। अबे गवारो, मैंने कहा धूमधाम से न्यू ईयर मनाएंगे। तुम लोगों को जो लाने को बोला था लाए हो? आज की पार्टी का पूरा अरेंजमेंट हो चुका है। लैग पैग टेंशन ना ले, लैग पैग सब का अरेंजमेंट कर दिया मैंने। इस बार कहर ढा देंगे, कोहराम मचा देंगे पूरी पार्टी में। बस कोई उल्टी मत करना, मैं साफ नहीं करूंगा। आज की रात हम एंजॉय करने से किसी का पाप भी नहीं रोक सकता, वो भी जोरदार तरीके से। हद हो गई यार, जिसे देखो वो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज ऐसे भेज रहा है जैसे हम लोग विजय माल्या की तरह देश छोड़ के भागने की तैयारी कर रहे हो। और वैसे तुम तीनों हरामखोर यहाँ कौन सी प्लानिंग कर रहे हो बे? नहीं पापा, हम दोस्त लोग आपस में फेयरवेल देने का डिस्कशन कर रहे थे। क्यों, कौन जाने वाला है? साल, इसका साला। हाँ, मेरा साला। इसकी शादी कब हुई? चाचा होने वाले को भी साला ही कहते हैं। वाह, तेरी शादी फिक्स हो गई और तूने बताया नहीं कभी। दरअसल मुझे भी अभी अभी पता चला है। क्या? पापा बड़ी जल्दी ऑफिस से आ गए आप। बढ़ते अमेरिकन वायरस के खतरे को देखते हुए हमारी कंपनी ने आज से हमारा वर्क फ्रॉम होम कर दिया। अमेरिकन? अमेरिकन? अरे पापा का मतलब है ओमिक्रॉन। अच्छा ये बता, नए साल की क्या तैयारी है? नहीं पापा, हम लोग आपस। बेटे सब जानता हूँ, बाप हुआ फिर तेरा। क्या? यही कि तुम लोग कौन से कारनामे को अंजाम देने जा रहे हो। कौन से कारनामे? नहीं अंकल, आपको कोई गलतफहमी हुई है। बेटा मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, चुपचाप से शामिल करो अपनी पार्टी में, वरना। पार्टी? हम लोग कोई पार्टी नहीं कर रहे। नहीं तो कौन सी पार्टी? बेटा मत छुपाओ मुझसे, सब सुन लिया मैंने। सच में? लैग पैग शैग। लैग पैग शैग? कौन से लैग, कौन से पैग? अरे शैग क्या होता है? अबे झोपड़ी के कबाब, शराब और शबाब। पापा एक तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने कॉन्टी करके खंबा जुगाड़ किया है, फिर आप ऊपर से। बेटा हम भी कॉन्टी कर देंगे। आप तो अकेले हैं, फिर हम कौन? मेरा नाम है डिसूजा, मैंने बहुतों का है चूसा, खून बेबी खून। ये हराम को हमारी पार्टी में? हम हराम के पिल्लों को पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। अरे कर लो बेटा, इसको भी शामिल कर लो, मनोरंजन ही करेगा। इस मिर्चल को पार्टी में नहीं शामिल करेंगे? इतनी बदतमीजी। बदतमीज? पापा तमीज तो आप लोग भूल रहे हो, आप लोग जाओ ना अपने एज ग्रुप के साथ। बेटा क्या है कि अपने एज ग्रुप वालों की मारने में आजकल मजा नहीं आता। ये क्या मारने मरवाने की बात चल रही है? बेटा इसके कहने का मतलब है हमारी एज ग्रुप के सारे लोग बोर हो चुके हैं। एंटरटेनमेंट नाम की कुछ चीज ही नहीं बची उन लोगों में, तो हम चाहते हैं कि तुम लोगों के साथ थोड़ा एंजॉय कर लिया जाए। पर पापा आप हमारे साथ रहोगे तो हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये क्या एंजॉय एंजॉय लगा रखा है तुम लोगों ने इतनी देर से? और ये क्या बुक मीटिंग चल रही तुम लोगों के बीच? इसको गड़बड़ है। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, हम लोग तो पिछले साल के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे कि नया साल सिर्फ साल भर तक ही टिकता है। तुम्हारा तो एक मिनट नहीं टिकता और तुम साल टिकने की बात करते हो। टिकना टिकाना छोड़, जाके चाय बना के ला। बिल्कुल भाभी जी, एक ऐसी कड़क चाय बना के लाओ कि पूरे बदन में करंट दौड़ जाए, मन झूमने लगे, शरीर नाचने का करे। ओ चूसा भाई साहब, हमारे यहाँ पे गाय और भैंस का दूध मिलता है, नागिन का दूध नहीं। और
और नए साल की पार्टी के नाम पे अगर बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश करी ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। कौन? मैं बिगाड़ रहा हूँ इन लोगों को? अरे भाग्यवान, अगर ओसामा बिन लादेन अभी जिंदा होता तो इन लोगों की हरकतें देख के आत्महत्या कर लेता। अगर तुम्हारी गलती से पता चल जाती ना तो ओसामा खुद को गोली मार लेता। अगर ये नासमिदा यहाँ पे है तो तुम लोग पक्का कुछ ना कुछ पीने पिलाने का प्रोग्राम कर रहे हो। 31 की पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी? जो खाना उखाड़ ले। काश गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर की जगह 31 दिसंबर को हुआ होता। गांधी जी का जन्म 31 दिसंबर रात को 12 बजे के बाद, आधी रात को? फिर तो यही कंफ्यूजन होता, ड्राई डे कब होगा, 31 दिसंबर या 1 जनवरी। बस बकवास करा लो खाली इससे। अबे जस्ट चिल चूतियो, सच में हुआ थोड़ी ही है। शुक्र मनाओ कि मुझ जैसी संस्कारी बीवी तुम्हें मिल गई है जो झेल गई तुम्हें इतने साल। तो संस्कारी नहीं, अत्याचारी है। अभी जी जब भी देखो मेरा दोस्त मुरझाया सा रहता है। साले नया साल है, खुश रह, मुस्कुरा, खुद पी, दूसरों को भी पिला, खर्चा करो, जश्न मनाओ। क्यों? साल बदल रहा है। हराम खोरो, साल बदल रहा है, साली और घरवाली थोड़ी बदल रही है कि जो जश्न मनाता फिरूं। बदल तो तुम्हारी जिंदगी जाएगी कोरोना की चपेट में आने से। देखते नहीं नया वैंड कितना खतरनाक है, कितनी तेजी के साथ फैल रहा है। हाँ वैसे आंटी सही कह रही है, गवर्नमेंट ने भी अलर्ट जारी कर रखा है। वैसे भी नया वेरिएंट बहुत खतरनाक बताया जा रहा है और बहुत ही तेजी के साथ फैलता है। पता नहीं ये क्या नया बवाल आ गया है, इंसानियत बचेगी कि नहीं ये सवाल आ गया है। लगता है 2021 की तरह 22 भी कोरोना की भेंट चढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल, पहले नए साल के बाद लोग वर्ल्ड टूर पे निकलते थे, अब ऐसा लगता है कोरोना टूर पे निकला है। इसीलिए समझा रही हूँ, फालतू की पार्टी करने से कुछ नहीं होगा, चुपचाप सावधानी से घर पे बैठो। भैया इसके बाद सभी लोग कैद हो जाएंगे, मैं तो 31 की पार्टी में पक्का जाऊंगा। और मैं भी। पूरी दुनिया बदल जाए तो बदल जाए, पर तुम ना बदलोगे। अब देख लो साल बदलेगा, हम तो वही रहेंगे।